मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। भाईंदर के उत्तन से मुस्लिम परिवार द्वारा सामाजिक एकता की मिसाल कायम कर की जाती है गणपति स्थापना, विधिवत पूजा अर्चना भी करता है मुस्लिम परिवार। महाराष्ट्र राज्य के सबसे बड़े त्यौहार गणपति महोत्सव के मौके पर भाईंदर के उत्तन से जो एक खबर सामने आई है, वह खबर न सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ावा देने वाली है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक रूप से बढ़ते समाज को आपस में जोड़ने वाली भी है। दरअसल तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक सार्वजनिक गणपति मंडल में मुस्लिम परिवार बड़ी ही श्रद्धा से गणेश जी की पूजा अर्चना कर रहा है। तो आपको बता दें, यह सार्वजनिक गणेश मंडल भाईंदर के उत्तन क्षेत्र का है, जिसका नाम श्री धावगी सार्वजनिक गणेशोत्सव मित्र मंडल है, जो पिछले 26 साल से गणपति स्थापना करते आ रहा है। इस मंडल के संस्थापक एक मुस्लिम थे, जिनका नाम करीम कासू बताया गया है। इस मंडल द्वारा प्रतिवर्ष पूरे रस्मों रिवाज से गणपति जी की स्थापना कर पूजा अर्चना की जाती है। वर्तमान में करीम कासू के परिवार के सदस्य इस मंडल की देखरेख कर उसे जारी रखे हुए हैं। देखिए इस गणेश मंडल से बनाई गई यह रिपोर्ट, सुनिए मंडल में पूजा अर्चना करने वाली मुस्लिम महिला के साथ मंडल में शामिल होने आए उत्तन क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। क्या कहेंगे आप, गणपति पापा की पूजा करते हैं, एक मुस्लिम परिवार है, कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हो आप? हमारे मन में श्रद्धा है, हम लोग आगे भी ये कहना चाहेंगे कि आगे भी भाईचारा रखिए, एकता रखिए, तो हिंदू मुसलमान का फसाद नहीं होगा। और हमारे मन में जो श्रद्धा है वो हम जाहिर करते हैं इधर आके, और भगवानों की भी श्रद्धा है। ऐसा ही नहीं कि हम गणपति पापा को मानते, हमारे धावगी डोंगर पर जितने भी फंक्शन होते हैं उसको हम लोग अटेंड करते हैं, और ये एकता भाईचारा है, यही कहना चाहते हैं। मुस्लिम समाज की तरफ से क्या आपको विरोध नहीं किया जाता है? करते हैं विरोध, लेकिन हम लोग केयर नहीं करते। बोल तो बोला जाता है हम लोग को कि ये सब करना ज़रूरी नहीं है, ये सब गैर कानूनी है, अपने मजहब में नहीं है, लेकिन जो हमारी श्रद्धा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर ही सकते हैं। जिस तरह से जातिवाद का जहर एक तरह से नेता द्वारा खोला जाता है, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे आप उनको? जातिवाद का तो अभी देखिए सर, ऐसी बात है कि जातिवाद तो लोग हर कोई करता है, वो तो पॉलिटिक्स है, वो खेलने वाले हैं, लेकिन इंसानों को समझना चाहिए कि जातिवाद के बारे में ये ना करें तो अच्छी बात है, भाईचारा रखेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है, और भाईचारा एकता रखेंगे वो अच्छा है। और हमारे धावगी मंडल पे तो ऐसा एकता है ही, ऐसा नहीं है कि कोई जातवाद है, ये है, हम हर चीज़ में फंक्शन में शामिल होते हैं, हमारे सब जातिवादी हिंदू मुसलमान जय भीम बौद्ध हर जात के लोग हैं यहाँ पर, सब मिल के करते हैं। और ये जो गणपति स्थापना है वो हमारे करीम चाचा थे, जो पहले थे 25 साल पहले उन्होंने स्थापना की थी, उस दौर से आज तक चलते आ रहा है और चलता आएगा और आगे भी चलेगा। 3 साल तक अध्यक्ष थे। आप कहां पर आए हैं और यहां पर आकर आपने क्या देखा? ऐसा है, ये हमारे एरिया में 6 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हैं, तो हमारे सीपी साहब ने बोला था कि सभी मंडल में कॉर्नर मीटिंग जाके ले लो गणेशोत्सव स्टार्ट होने से पहले। तो जब कॉर्नर मीटिंग लेने के लिए हम यहाँ आए, और यहाँ जो धावगी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल है उनका जब हमने मीटिंग लिया, तब पता चला कि इसके जो संस्थापक है, जिन्होंने इस मंडल की स्थापना की, वो मुस्लिम है, उनका नाम करीम कासू करके, और 25 साल पहले उन्होंने इसकी मंडल की स्थापना की। तो उनका नाम सुन के मैं भी थोड़ा ये हो गया, एक मुस्लिम और उन्होंने इस मंडल की स्थापना की, तो इसका क्या है मतलब। तो बाकी के जो पदाधिकारी थे तो उनसे मैंने पूछा कि ये सच है क्या, तो बोला हाँ ये सच है। उनकी फैमिली अभी जो है, उनके चाचा के लड़के और उनकी वाइफ वगैरह, ये सब उसकी गणपति की पूजा करते, आरती करते और नैवेद्य भी दिखाते हैं। तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छा एक मिसाल है भाईचारा दिखाने का। आजकल जो अपने एरिया में, अपने पूरे मतलब देश में जो चल रहा है, तो एक बहुत इतना छोटा सा ये होने के बावजूद एक बहुत अच्छी मिसाल है। इसमें जो सामाजिक बांधिल की सामाजिक भाईचारा अच्छी तरह से मतलब ये किया जाता है, इसमें कोई भी मतलब मैंने देखा तो इस मंडल में हर धर्म के लोग हैं, उसमें बौद्ध है, उसमें हिंदू है, उसमें मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चन भी है,
तो ये सभी मिलके ये जो गणपति उत्सव मनाते हैं ये एक देश के लिए और समाज के लिए बहुत अच्छा मिसाल है, एक अच्छा उदाहरण है, तो क्यों नहीं। और मैंने वो भी आगे का सुन के एकदम ताजुब हो गया कि यहाँ आरती भी वो करते हैं, आरती भी पकड़ते, तो ये बहुत अच्छी मिसाल है और सामाजिक भाईचारा का ये बहुत अच्छा उदाहरण है। अगर ऐसा हर जगह होगा तो हमारे समाज में जो दूरियां निर्माण की जाती है वो होगी नहीं है, बिल्कुल नहीं होगी, और समाज एक भाईचारा से आगे बढ़ेगा और अपना देश तरक्की करेगा। और मैं इस मंडल को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 26 साल से वो लोग ये भाईचारा बढ़ाते आ रहे हैं, इनके मंडल में कोई भी आज तक कोई दंगा फसाद नहीं है। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है और मैं सभी मंडल के जो पदाधिकारी है सभी है उनको धन्यवाद देता हूँ और सभी का शुक्रगुजार हूँ। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।